मैं हूं अम्मार खान, आप देख रहे हैं आरएटीवी न्यूज। अचानक पूरे मुंबई में मौसम खराब हुआ, जिसके बाद पूरी मुंबई में तहस महस जैसा माहौल हो गया। पूरी मुंबई तहस महस हो गई। बता दें, कहीं पे गाड़ियां पलट गई हैं, तो कहीं पर खंभा गिर गया, तो कहीं पर पेट्रोल पंप का बैनर गिर गया। ऐसे ही लालबाग ब्रिज पर दो गाड़ी, एक कार और एक टेम्पो पलट गई, जिसमें दो से चार लोग घायल बताए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ वहीं बरकत अली रोड वड़ाला के अंटाफिल्ड में एक खंभा गिर गया, जिसके चपेट में चार पांच गाड़ियां आ गई और उसमें भी कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं मुंबई का तीसरा जो सबसे बड़ा हादसा बताया जा रहा है, बता दें घाट के ऊपर ईस्ट में BPCL का पेट्रोल पंप था, वहाँ पर एक बैनर लगा हुआ था। वो बैनर गिरने के बाद कम से कम 100 से अधिक लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिसमें से 60 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और राजावाड़ी अस्पताल में उपचार के लिए लेके गया है, और उन लोगों में से 5 लोगों की डेथ भी हो गई है। बता दें, कहीं ना कहीं पूरे मुंबई में 5 मिनट की ये तूफानी बारिश किस तरीके से पूरे मुंबई को तहस महस कर दी। और भी कई जगहों में ऐसे घटनाएं देखने को मिली है। वड़ाला में जो कंस्ट्रक्शन साइट चालू थी, वहाँ पे भी किरण गिरने से भी कई लोगों की मौत हुई है, कई लोगों के कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। बता दें, पूरी अपडेट अभी ऑफिशियल अपडेट नहीं मिली है, हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल बता दें, 60 लोगों को घाट के ऊपर के पेट्रोल पंप से रेस्क्यू किया गया और अभी भी रेस्क्यू कार्य चालू है, जिसमें से लगातार एम्बुलेंस द्वारा राजावाड़ी हॉस्पिटल उपचार के लिए लेके जाया जा रहा है। बता दें, वहीं 5 लोग की भी डेथ हुई है। हम आपको तमाम तस्वीरें दिखा दें कि किस तरीके से रेस्क्यू कार्य चल रहा है और किस तरीके से सभी लोगों को उपचार के लिए राजावाड़ी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। ऐसी और अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें आरएटीवी न्यूज़। मैं फिर हाजिर हूँ नई न्यूज़ से साथ अम्मार खान।